हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एक कार की टिप देने वाला हूँ, स्पेशली उन लोगों के लिए कि जो नाइट में कार ड्राइव करते हैं। तो कार में जो सेंटर मिरर होता है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार। तो ये जो सेंटर मिरर होता है कार में, वो आप नाइट में कैसे एडजस्ट करें अच्छे से, ताकि आपको पीछे की जो कार की लाइट है वो भी आपकी आंखों में ना पड़े और आप पीछे की कार्स को क्लियरली देख भी पाओ कि वो किस तरफ जा रही है और किस तरफ से आ रही है। तो उसको एडजस्ट करने के लिए कुछ लोग क्या करते हैं कि ये जो नोब या फिर लीवर है उसको सिर्फ प्रेस करके मिरर को ऐसे ही छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसे नहीं करना होता है दोस्तों। आपको जैसे ही ये लीवर को आप प्रेस करोगे, तो इसके अंदर जो ग्लास के अंदर एक ब्लैक कलर की फिल्म होती है वो भी एक्टिवेट होती है। तो उसकी मदद से जो कार की पीछे की लाइट्स है वो आपकी आंखों में नहीं गिरती है। लेकिन ये लीवर को प्रेस करने के बाद आपकी जो मिरर होता है उसको आप अच्छे से एडजस्ट कर लो, ताकि आपको है ना कुछ इस तरह का व्यू मिले पीछे के विंडो का पूरा। तो इससे होगा ये कि आप पीछे का क्लियरली भी देख पाओगे और जो पीछे की लाइट्स है वो भी आपके आंखों में नहीं पड़ेगी। तो सिर्फ ये लीवर ऊपर और नीचे करने से कुछ नहीं होगा। लीवर को एक बार नीचे करने से ब्लैक फिल्म एक्टिवेट हो, उसके बाद आप मिरर को एकदम अच्छे से एडजस्ट कर लो पूरा व्यू अपना लेने के लिए। तो ये थी दोस्तों मेरी आज की इस कार के सेंटर मिरर की टिप के बारे में। अगर आपको ये मेरी कार की टिप पसंद है तो फ्रेंड्स, तो जल्दी से इस वीडियो को कर लीजिए लाइक, शेयर और कमेंट, और हो सके तो मेरी चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब ऐसे ही वीडियोस के लिए। तो अभी मैं कर रहा हूँ ये वीडियो ऑफ और मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय फ्रेंड्स।